हेलो एवरीवन, अभी हम फेज स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे। ठीक है, कोई भी फोरियर सीरीज है, उसका जो एक्सप्रेशन होता है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, वो एम्पलीट्यूड एंड फेज के माध्यम से हम करते हैं। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम हमने देख लिया था। फोरियर सीरीज को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमने दूसरी ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म देखी थी, उसमें ए जीरो प्लस समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी, ए जीरो तो यहाँ आ ही चुका है, सी एन कॉस ऑफ एन ओमेगा टी माइनस थीटा एन। ये थीटा एन क्या होता है? फेज होता है किसी भी हार्मोनिक के लिए, एनएफ हार्मोनिक के लिए ये उसका फेज होता है। तो थीटा एन क्या है? फेज ऑफ एनएफ हार्मोनिक कहलाता है। ठीक है, यहाँ इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं आप? टेन इनवर्स ऑफ, हमने देखा था लास्ट इसमें, हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, टेन इनवर्स ऑफ बी एन अपॉन ए एन इमेजिनरी अपॉन रियल, दिस विल बी इक्वल टू थीटा एन। यहाँ से आप थीटा एन का मान फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं। उसके बाद में आप जो भी वैल्यूज आती जाती है सीरीज के लिए, हर एक एन के लिए आपने अलग अलग थीटा एन फाइंड आउट किया, और विद रिस्पेक्ट टू एन आप उसे प्लॉट करते हैं। ये हमारा होता है फेज स्पेक्ट्रम, ये आपका एन एक्सिस हो जाती है। यहाँ मैं बोल रही हूँ ये थीटा एन है, थीटा एन है, यहाँ पे बोलती हूँ मैं पाई बाय टू है, मान लीजिए ये प्लस पाई बाय टू, ये माइनस पाई बाय टू, यहाँ कहीं होगा मान लीजिए माइनस पाई बाय टू। ठीक, तो नेगेटिव साइड पे आपके नेगेटिव प्लॉट्स आ जाएंगे, पॉजिटिव साइड पे पॉजिटिव प्लॉट्स आ जाएंगे। विद रिस्पेक्ट टू एन आप इसे प्लॉट कर रहे हैं, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, जो भी वैल्यूज आपके निकल के आती हैं। तो फेज स्पेक्ट्रम में आप क्या करते हैं, जो फेज आपका निकल के आ रहा है उस फेज को विद रिस्पेक्ट टू एन आप उसको प्लॉट करते हैं और एनालाइज करते हैं उस फोरियर सीरीज के लिए। ये आपका होता है फेज स्पेक्ट्रम।